और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से आ रही है, जहां सेना ने मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया है। खबर यह है कि जो आतंकी मार गिराए हैं उनमें एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर सबजार अहमद भट्ट भी है। सबजार अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, जिसे आज सुरक्षा बलों ने त्राल इलाके में मार गिराया है। सबजार भट्ट त्राल का ही रहने वाला है और बुरहान वानी के बचपन का दोस्त है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद मूसा को कमांडर बनाया गया था, लेकिन मूसा ने हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़ दिया, जिसके बाद सबजार को कमांडर बनाया गया। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के त्राल में कुल 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, यानी कि कुल 3 आतंकियों को मार गिराया है। पहले एक घर में ये लोग छुपे हुए थे, जिसकी घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मारा था, और अब तीसरा आतंकी भी मार गिराया गया है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? अमरनाथ, देखिए, इस पूरे इलाके में अब भी जो है ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उनकी जो जानकारी मिली थी कि 3 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो अब तीनों को मार गिराया गया है, जिनमें से एक सरदार भट्ट, दूसरे की पहचान फैजान भट्ट और तीसरे की पहचान अभी तक सुरक्षा बलों की तरफ से जाहिर नहीं की गई है। लेकिन इस खबर के फैलने के बाद से ही दक्षिण कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर के कई इलाकों में भी और उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। और जो अफवाहें फैलने को रोकने के लिए जो मोबाइल इंटरनेट सेवा है उसको रोकने पर विचार हुआ है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि अगर उनको ये आशंका थी कि ज्यादा कुछ अफवाहें फैल रही है जिसके कारण कश्मीर घाटी में हिंसा फैल सकती है, तो इसको देखते हुए मोबाइल सेवा को ही पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी विचार हो रहा है, लेकिन त्राल की बात करें तो यहाँ पे एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन तलाशी अभियान अभी जारी है और विभिन्न जगहों पर पत्थरबाजी की भी घटनाएं हो रही है और प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों में भी चर्चे हो रही है। आमंत्रण जी आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि कौन है सबजार अहमद भट्ट, जो कि हिजबुल का कमांडर था, हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कमांडर था सबजार अहमद भट्ट, जिसे आज सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हिजबुल का सबसे बड़ा कमांडर, टॉप कमांडर, जाकिर मूसा के हिजबुल छोड़ने के बाद कमांडर बना था। हिजबुल मुजाहिदीन की कमान इसे दी गई थी। सबजार अहमद त्राल का ही रहने वाला था, जहां इसे मार गिराया गया है, और बुरहान वानी भी त्राल का ही रहने वाला था। बुरहान वानी के बचपन का ये दोस्त था सबजार भट्ट, और बुरहान की तरह ही ये कमांडर बना, और उसके बाद बुरहान की तरह ही सुरक्षा बलों के हाथों ये मारा गया। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जो दाढ़ी वाला शख्स इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये सबजार भट्ट है, और इसका दूसरा साथी फैजान, जो कि मारा गया है, ये भी इस तस्वीर में नजर आ रहा है। तो हिजबुल के ये 2 आतंकी, इनमें से एक टॉप कमांडर सबजार भट्ट, उसका एक वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये त्राल इलाके में मारा गया है, और इस वीडियो में ये बुरहान वानी के साथ नजर आ रहा है। तो दाई तरफ जो दाढ़ी वाला शख्स है वो सबजार भट्ट है, जो मार गिराया गया है आज, और बुरहान वानी, जिसका पिछले साल सुरक्षा बलों ने खात्मा किया था, वो भी इस वीडियो में सबजार के साथ नजर आ रहा है। दोनों बचपन के दोस्त थे, त्राल के ही रहने वाले थे, और आज त्राल में सबजार भट्ट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, ये बताएं कि सबजार को मार गिराना कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए सुरक्षा बलों के लिए? अमरनाथ, देखिए, जाकिर मूसा के हिजबुल मुजाहिदीन छोड़ने के बाद सबजार ही अब हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, और दक्षिण कश्मीर में तकरीबन 1 से लेकर 150 जो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट हैं उनका कमांडर बना दिया गया था। कुछ दिनों पहले ही ये खबरें आई थी कि सबजार भट्ट अब अपनी पहुंच जो है श्रीनगर में भी फैलाना चाहता है, इसीलिए पिछले 3 दिनों में 2 लड़के श्रीनगर से लापता हुए, जिनमें से एक का फोटोग्राफ सामने आया था जिसमें उसने घोषणा की थी कि वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है, और उसको लेने के लिए खुद सबजार भट्ट श्रीनगर आया था। यानी कहीं ना कहीं सबजार की जो पहुंच थी वो बढ़ने वाली थी, वो अपनी जो पकड़ है हिजबुल मुजाहिदीन पर वो सख्त कर रहा था, और सुरक्षा बलों को जो चुनौती मिली है, जो खास तौर पर दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके की जो पब्लिक सपोर्ट मिलिटेंट्स को मिल रहा है उसको बढ़ाने में सबजार भट्ट काफी ज्यादा सक्रिय था। लेकिन आज जो एनकाउंटर हुआ, जो खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी कि सरदार भट्ट अपने 2 साथियों समेत इस इलाके में छुपा हुआ है, तो ये ऑपरेशन चलाया गया, और कहीं ना कहीं जहां सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के लिए ये
जी जो सरदार भट्ट की मृत्यु है ऐसा साबित हो सकती है कि कई सब हिजबुल मुजाहिदीन का जो वजूद है दक्षिण कश्मीर में वो भी खतरे में पहुंच सकता है, क्योंकि नासिर मूसा को चले जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन काफी ज्यादा पहले ही कमजोर पड़ गया था, हिजबुल मुजाहिदीन में फूट पड़ गई थी, और अब जाकिर सरदार के मारे जाने से हिजबुल मुजाहिदीन पर भी खतरा बन रहा है दक्षिण कश्मीर में कि वो खत्म ना हो जाए कहीं पार्टी, और सारे लोग सरदार को मारे जाने के बाद अब नासिर मूसा की तरफ ना जाए। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी दक्षिण कश्मीर में ये मानी जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही जो तनाव बढ़ा है क्योंकि काफी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के इन लड़कों को, क्योंकि ज्यादातर जो ये लड़के हैं स्थानीय युवक हैं, आसपास के गांव के रहने वाले हैं, जैसे सरदार भट्ट खुद अपने ही चाचा के मकान के आसपास मारा गया, तो कहीं ना कहीं वो जो किनशिप है, कहीं ना कहीं लोगों का जो इनके साथ मेल रहा है उसकी वजह से तनाव काफी बड़ा है, पत्थरबाजी की घटना हुई है और कई जगहों पर पत्थरबाजी में कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। मोबाइल इंटरनेट सेवा पूरी कश्मीर घाटी में फिर बंद कर दी गई, हालांकि सोशल मीडिया पर पहले से ही प्रतिबंध था, लेकिन अब 2G 3G और 4G तीनों तरह के मोबाइल सेवाएं इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, और अब विचार हो रहा है कि क्या मोबाइल सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। श्रीनगर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, और कई पुराने शहर के कई इलाकों में भी पत्थरबाजी की खबरें हो इसके घटने। जी आसिफ, तो इलाके में तनाव बढ़ गया है, लेकिन सब्जार के खात्मे के बाद वाकई हिजबुल मुजाहिदीन को अपने वजूद पर सोचना पड़ेगा, अपने भविष्य को लेकर सोचना पड़ेगा, बड़ा झटका हिजबुल मुजाहिदीन के लिए। आसिफ आप बने रहे हमारे साथ, नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीरज, रामपुर में हमने देखा कि 8 आतंकियों को मार गिराया गया, उसके बाद त्राल में 3 आतंकियों का खात्मा किया गया, कुल मिलाकर आज 11 आतंकियों को ढेर किया गया, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अमांद्रा, ये बड़ी कामयाबी है, और सेना के बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उनका साफ कहना था कि अगर कश्मीर से आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करना है तो क्रैकडाउन करना ही पड़ेगा, और उसमें 3 मुख्य बातें थी। सबसे पहला कि जो घुसपैठ रोकनी पड़ेगी, घुसपैठियों को रोकना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा LOC पर, उसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट है नए टेररिस्ट की जो हो रही है कश्मीर घाटी में उनको रोकना पड़ेगा, और तीसरा ये कि इतनी कम कर दें आतंकियों को कश्मीर घाटी में कि वो लोकल लोगों को यानी कि स्थानीय लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो उसी में पहली 2 कड़ी जो है वो आज हमने देखी LOC पर, उरी में, रामपुर सेक्टर में और दूसरा त्राल सेक्टर में। जी नीरज, लेकिन हिजबुल की अगर बात करें, आसिफ से भी हम बात कर रहे थे, सब्जार के खात्मे के बाद हिजबुल के मोराल के लिए, उसके मनोबल के लिए ये कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बुरानवानी की मौत के बाद से, एनकाउंटर के बाद से काफी ज्यादा स्थानीय लोग, खासतौर से दक्षिण कश्मीर के जो 5 जिले हैं जिनमें अनंतनाग, त्राल, शोपियां, कुलगांव, पुलवामा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां के हॉटबेड थे, और वहां पर बड़ी तादाद में जो नए लड़के थे उन्होंने हथियार उठाए थे। सब्जार अहमद को मारा जाना क्योंकि कमांडर था, टॉप कमांडर था, काफी दिनों से बुरानवानी के साथ था, हिजबुल मुजाहिदीन में इन्हीं ने खड़ा किया था, और अब जो नए लड़के आ रहे थे उनके लिए भी एक तरह से रेस्ट्रेन होगा, क्योंकि फैजान अहमद जो मारा गया है उसने कुछ ही दिन पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ थामा था। जी नीरज, तो बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, सब्जार अहमद को मार गिराया गया, हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर ये था, साथ ही साथ इसके 2 साथी भी मारे गए हैं, फैजान भी इसका एक साथी है जिसे मार गिराया गया है, साथ ही साथ इनके साथ जो तीसरा आतंकी छिपा हुआ था वो भी मार गिराया गया है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल में हिजबुल का सबसे बड़ा कमांडर मारा गया, सब्जार अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर मारा गया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।